मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे ग्रोजो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस डेवलपर वर्सेज डेटाबेस इंजीनियर। तो बेसिक क्या डिफरेंस होता है डेटाबेस डेवलपर का या डेटाबेस इंजीनियर का, दोनों में कौन सा फील्ड बेटर है इन टर्म ऑफ द सैलरी, इन टर्म ऑफ द ग्रोथ, इन टर्म ऑफ द फ्रेशर को भी जॉब पाने के लिए क्या डेटाबेस डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए या डेटाबेस इंजीनियर का कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक जानते हैं कि सीखते हैं कि डेटाबेस डेवलपर क्या होता है और डेटाबेस इंजीनियर क्या होता है, दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो डेटाबेस, जैसे कि डेटाबेस वो होता है जहां पे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, जहां पे डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, वहां से जब भी काम लगता है तो डेटा को रिट्रीव करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और यूज करते हैं। तो डेटाबेस डेवलपमेंट में जब भी कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी टूल को, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेस बनाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको उस टाइप का जो एक्टिविटी करता है उसको डेटाबेस डेवलपर बोलते हैं। जैसे कि एक कोई भी एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक रिलेशनल डेटाबेस पे काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है या ओरेकल है या माई सीक्वल है, एक एप्लीकेशन बिल्ड हुआ जो कि एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल एक रिटेल मार्केट का एप्लीकेशन है, जैसे कि आप रिलायंस या कहीं पे भी डीमार्ट या कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई भी अमाउंट को आप वहां पे स्कैन होता है, तो स्कैन करने के बाद वहां पे उस डेटा से वो रिट्रीव होता है कि रियली इस बार कोड का क्या प्राइस है। जैसे कि आप एक एक एग्जांपल के तौर पे एक बिस्किट खरीदे, बिस्किट का 9.90 रुपीस उसका एमआरपी है, तो जब भी बार कोड वो स्कैन होता है तो जैसे ही बार कोड स्कैन होता है वो क्या करता है, डेटा को डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है वो डेटा को रिट्रीव करता है और वो बार कोड से मैच करता है और वहां पे स्क्रीन पे वो अमाउंट को डिस्प्ले करता है। तो एंटर करने के बाद वो क्या होता है कि वो एक्चुअल अमाउंट आ जाता है। तो बेसिकली जब भी कोई भी सामान उस रिलायंस मार्ट में आया, जब वो फर्स्ट टाइम आया तो वहां पे कोई एंट्री किया उस अमाउंट को, तो एंट्री करने के बाद वहां पे उस अमाउंट को एंट्री करने के बाद वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो जब भी वो एप्लीकेशन तैयार हुआ, ये फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन यूज करने के लिए तैयार हुआ, तो उसके बैकएंड में क्या हुआ, उसको एक डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट किए जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, लोकेशन, जो जो भी रिक्वायरमेंट है। तो जब भी यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे एंट्री करने के बाद आइटम नेम, बिस्किट और क्वांटिटी समथिंग लाइक बारकोड, ये सब एंट्री किया तो जाके इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर हुआ, तो कंप्लीट वो डेटाबेस को जो बनाया उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस डेवलपर। तो डेटाबेस इंजीनियर क्या होता है, तो डेटाबेस इंजीनियर क्या होता है, वो डेटाबेस के डेटा पे काम करता है, इंजीनियरिंग पे काम करता है, मतलब उसके रिसर्च पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक रिलायंस इंडस्ट्री को एक छोटी कंपनी को परचेज की, खरीद लिया, तो उसका डेटाबेस सपोज ओरेकल में है या दूसरे डेटाबेस में है, जैसे कि स्पार्क या बिग डेटा, हाड़ू, कोई भी डेटाबेस में है, बट रिलायंस का जो डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में है। तो कंप्लीट डेटा को क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशन के वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग उसके एल्गोरिदम को तैयार करना पड़ेगा, उसके पाइपलाइन को तैयार करना पड़ेगा, और ये सारे जो काम होते हैं वो डेटाबेस इंजीनियर करते हैं। तो डेटाबेस इंजीनियर का और काम होता है, जैसे कि आप डिफरेंट टूल यूज करके, पावर बीआई हो गया, टेबल हो गया, पाइथन हो गया, ये लोग ये सब चीज डेटा को क्या करते हैं, पाइथन से यूज करके, बहुत सारे लाइब्रेरी यूज करके डेटा को क्लीनिंग करते हैं, अनवांटेड डेटा को रिमूव करते हैं। तो इस टाइप का जो एक्टिविटी होता है वो डेटा इंजीनियर करता है। तो डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस इंजीनियर, तो बेसिक दोनों के लिए डेटाबेस में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट एज ए कंपेयर करना है तो डेटाबेस डेवलपर से डेटाबेस इंजीनियर को ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा टूल में एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा डेटा से खेले हुए होते हैं, ज्यादा डेटा पे वर्क करते हैं, बट एक डेटाबेस डेवलपर जो काम करते हैं वो कम्प्लीटली एक इन्वायरमेंट डेटाबेस के अंदर ही काम करते हैं। तो ऑब्वियस सैलरी वाइज जो डिमांडेबल जो यूज डिमांड सैलरी वाइज बात करेंगे तो एक डेटाबेस इंजीनियर का सैलरी हमेशा डेटाबेस डेवलपर का सैलरी से हायर होता है। ग्रोथ के मामले में यदि आप ग्रोथ कोई फील्ड में ले सकता है, यदि आप कोई फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं तो एक काफी ऑप्शन खुल जाता है डेटाबेस इंजीनियर जो काम करते हैं, क्योंकि वो
अलग अलग टूल पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस डेवलपर क्या करते हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं, तो जो पाथ होता है वो डेटाबेस इंजीनियर का बेसिकली वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या स्किल है, उन्होंने क्या अपने वर्क करते हुए क्या सीखा। तो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्केट में जो ज्यादा जॉब होती है वो 10 to 15% डेटाबेस इंजीनियर का जॉब ज्यादा होता है, 10 to 15% डेटाबेस डेवलपर का जॉब कम होता है, बट ये वेरी करता है लोकेशन पे, कंपनी पे, कंट्री पे। तो ओवरऑल ये एवरेज हम बताएं, बट यदि आप अपना करियर डेटाबेस डेवलपर में बना सकते हैं तो डेवलपर में बनाइए, डेटाबेस इंजीनियर में बना सकते हैं तो डेटाबेस इंजीनियरिंग में बनाइए। तो कंप्लीट ये वीडियो था आपको डिफरेंस बताने के लिए वेरी सिंपल वे में कि डेटाबेस डेवलपर का क्या होता है, डेटाबेस इंजीनियर का क्या होता है। तो हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।